ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये रेलवे ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रहने वाला है मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। और आपसे एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल से संबंधित जितनी भी जानकारी और मैथ के वीडियो चाहिए तो मुझे आप अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर पाएंगे और मैथ के मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं और रीजनिंग के भी किए हैं, आप उनको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 76% आम खराब हैं, यदि अच्छे आम टोटल कितने हैं 144, तो कुल आमों की संख्या बताइए। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग कोई भी वैल्यू होती वो अपने आम में 100% होती है, ओके। तो टोटल आमों की संख्या हम लोग क्या मान लेंगे, 100% मान ली, जिसमें 36% जो आम है वो खराब है, ये मैंने लिख दी 36% खराब। 36 से अगर 100 से अगर 36 घटें तो कितना बचा, 64%। तो 64% आम क्या होंगे, अच्छे। तो इसमें बताया जा रहा है कि अच्छे आमों की संख्या कितनी है, 144, मतलब 64% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 144। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 144/64। तो पूछ रहा कि कुल आमों की संख्या बताइए, तो क्या करेंगे, जब एक की वैल्यू 144/64 है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 144/64, और जो ये 100 दिखा रहा है आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हम लोग काट देंगे तो कितना आएगा हमारा, देखिए ये 2 से काटा, ये 32, ये 50 हो जाएगा। आगे क्या किया, 144 × 100/32, फिर 2 से ये काटे, काटते के तो हमारा लास्ट में क्या आता है, 9 × 25। तो अच्छे आमों की संख्या क्या निकल गई, 225। तो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 58% मत प्राप्त करके प्रतिद्वंदी को 4000 वोटों से हरा देता है, तो कुल मतदाता कितने हैं। तो हम लोग हमेशा मानते हैं कि कुल मतदाता जो होते हैं वो टोटल 100% होते हैं, मतलब कोई भी जो वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो हम लोग टोटल मतदाता क्या मानेंगे, 100%। तो इसमें क्या करें, जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 58% मत प्राप्त करता है, जो 58% जो मत प्राप्त कर रहा है वो जीत रहा है, ओके। तो 58 हम लोग 100 से 58 घटाएंगे तो कितना बचा, 42%। तो 42% क्या होगा, हारने वाला होगा, जिसको 42% वोट मिले हैं। तो आगे क्या कह रहा है कि उम्मीदवार है 58% मत प्राप्त करके प्रतिद्वंदी को 4000 वोटों से हरा देता है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा, मतलब इसको 42% मिले, इसको 58% मिले, तो इसे कितने ज्यादा मिले, तो हम लोग 58 से 42 घटा देंगे तो मतलब 16% आ जाएगा। तो हमें दी हुई है 16% की वैल्यू कितनी, 4000 रुपये, 4000 वोट। तो पूछ रहा है कि कुल मतदाता कितने हैं, तो कुल मतदाता हमने कितने माने थे, 100%। तो जब 16% की वैल्यू 4000 है तो 100% की वैल्यू हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, एक्स इज इक्वल टू 4000 × 100, ये वाला मल्टीप्लाई इसमें किया और इसके वाला ये वाला इसमें मल्टीप्लाई किया, तो 4000 × 100/16, ये 16 से हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 250 × 100, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 25000 वोट। तो टोटल जो वोटों की संख्या आई वो आई हमारी 25000। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रय मूल व विक्रय मूल का जो रेशियो है वो 20:23 है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो हमें क्या दिया हुआ है, CP/SP = 20/23। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, कितना आ रहा है, 3। तो मतलब कोई वस्तु, कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को 20 रुपये में खरीद रहा है और बेच रहा है 23 में, तो इन दोनों का जो डिफरेंट होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब आपने किसी वस्तु को 20 में खरीदा और बेच दिया 23 में, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 3 रुपये का, ओके। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 3। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमें बताना है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, Profit/CP × 100। तो प्रॉफिट कितना है, 3/CP कितना है, 20/100। तो 0 से ये 0 कटा, फिर 2 से ये 5 काट, 10 काटा, 5 हो गया। तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो कितना आ जाएगा, 15%। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 36 संतरे बेचकर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो परसेंटेज ऑफ हानि बताइए। मतलब कोई व्यक्ति है 36 संतरे बेचकर 4 संतरों के बराबर
कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। तो हमें पता है कि सीपी को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य को क्या कहते हैं सीपी, और विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं एसपी। जैसे कि आपने कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी और 20 में बेच दी तो आपको प्रॉफिट होता है, ओके। इसी प्रकार सीपी फिर लिखते हैं सीपी एसपी। आपने किसी वस्तु को 10 में खरीदा और उसको 9 में बेचा तो आपको क्या होता है लॉस। तो लॉस के लिए फार्मूला क्या बन जाता है, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, और प्रॉफिट के लिए क्या बन जाता है एसपी माइनस सीपी। मतलब आपने किसी वस्तु को प्रॉफिट के लिए किसी वस्तु को खरीदा और उसे किसी वस्तु को खरीदा उसे बेचने के लिए। प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है सीपी से, और लॉस कब होता है सीपी जब बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। मतलब आपने वस्तु को खरीद तो लिया है, खरीदा कितने में 10 में और बेचना चाहते 11 में, तो बड़ा हो गया एसपी, तो हमें प्रॉफिट हो जाता है। इसी प्रकार अगर आपने 10 रुपये में वस्तु को खरीदा और 9 रुपये में बेच रहे तो सीपी बड़ा हो जाएगा एसपी से। तो यही हम लोगों को टर्म्स एंड कंडीशन इसमें लगेगी। तो एक व्यक्ति 36 संतरे बेचकर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो 36 संतरे का जो लॉस होगा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 4 संतरों के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, ओके। तो हमने क्या किया, 36 कोष्टक के अंदर सीपी माइनस एसपी कोष्टक बंद इक्वल टू 4 एसपी, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे दोनों में, तो 36 सीपी माइनस 36 एसपी इक्वल टू 4 एसपी। अब क्या करेंगे, 5 अंतर करेंगे, ये उधर जाएगा 36 वाला जो है ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 36 सीपी इक्वल टू 4 एसपी प्लस 36 एसपी। आगे क्या हुआ, 36 सीपी इक्वल टू 40 एसपी हो जाएगा। तो यहां से हम लोग सीपी बटे एसपी निकाल लेंगे, तो सीपी बटे एसपी क्या हो जाएगा 40/36। इसको हम लोग क्या काटेंगे, 5 से 4 से काट लेंगे, तो 10/9। तो देखिए सीपी कितना आ रहा है हमारा, सीपी आ रहा है 10 और एसपी क्या आ रहा है 9। खरीदा आपने 10 रुपये में और बेचा 9 रुपये में, तो आपको क्या हुआ लॉस हो रहा है 1 रुपये का, ओके। तो यहाँ देखिए एक लॉस हो गया। तो पूछा गया क्वेश्चन में कि हाँ परसेंटेज ऑफ हानि बताइए, लॉस बताइए, तो परसेंटेज ऑफ लॉस क्या होता है, लॉस बटे सीपी इंटू 100, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का जब भी परसेंटेज निकालना पड़ता है तो सीपी को हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं, ओके। तो 1/10 × 100, तो 0 से 0 कटा, तो कितना आ जाएगा 10% का लॉस हुआ। अगला क्वेश्चन है कि राकेश ने एक मोबाइल व एक स्कूटर में से प्रत्येक को 10,900 रुपये में बेच दिया, जिससे मोबाइल पर मुझे 30% का लाभ व स्कूटर पर मुझे 30% की हानि हुई, मतलब राकेश को, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि बताइए। तो देखिए 30% का लाभ हो रहा, 30% की हानि, तो इसको जब भी ऐसा दिखाया पड़े तो तुरंत इफिशियंसी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, बता रहे हैं अभी हम, इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, जहां ए मानेंगे 30 और बी मानेंगे 30। तो जब भी प्रॉफिट होता है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और लॉस का होता है तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो इसमें देखिए ए की जगह 30 रखा और बी की जगह -30, तो -30 × 30/100, 0 से 2 0 ये कटे, ये 30 से 30 कटे, कितना हो जाएगा -9। तो -9 क्या होता है, जब भी माइनस आता है तो वो लॉस का केस दिखाता है, तो देखिए -9 आ गया लॉस। अब हमें पता है कि सीपी को हमेशा हम लोग 100 मानते हैं, और सीपी से अगर प्रॉफिट को ऐड कर दें या लॉस को घटा दें तो क्या वो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें 9 घटा दिया तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या बन गया 91। तो टोटल एसपी कितना बन रहा था, ऊपर रुपए में कितना दिया, तो मोबाइल को भी 10,920 रुपये में बेच रहा और स्कूटर को भी 10,920 रुपये में बेच रहा है। तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 लॉस है इसको ऊपर रखेंगे इंटू कितने रुपए में 10,920 प्लस 10,920 इसको ऐड कर देंगे और अपान में क्या रखेंगे सेलिंग प्राइस, ओके। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ने पर क्या आएगा, 9 × 21,840 अपॉन 91 से काटेंगे और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2120 रुपये। अगला क्वेश्चन है कि 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल की जो मात्रा है 30% रह जाए। तो इसको हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन से लगाएंगे,
तो हमारा कितना दिया है 50% अल्कोहल है और 30% जो होगा मिक्सचर होगा। ओके, क्योंकि इसमें बता रहा है कि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए तो वो मिक्सचर हो जाता है जब उसमें पानी मिलाया जाता है। तो कितने ग्राम पानी मिलाया जाए, तो पानी मिलाया जाएगा तो उसकी वैल्यू हम लोग क्या मानेंगे 0%, क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा 0% होगी। ओके, अब यहाँ पे 30 रखा, अब इससे घटाएंगे और इससे घटाएंगे, तो 30 में से 0 गया तो 30% और 50 में से 30 गया तो 20%। तो क्या रेशियो आएगा, 0 से 0 ये कट जाएंगे तो 3:2 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि जो 50% अल्कोहल है उसका वेट कितना है 9 ग्राम, तो मतलब 3 की वैल्यू क्या है 9, तो कितने का मल्टीप्लाई इसमें किया 3 का किया तब हमारा 9 बन गया। तो पूछ रहा है उसने कि कितने ग्राम पानी मिलाया जाए, तो पानी में जब अल्कोहल में 3 का मल्टीप्लाई किया तब 9 बना, तो हम लोग पानी में भी तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 6 ग्राम। देखिए, ए किसी काम को 6 दिनों में, बी किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 9 दिन में करता है। अब क्या करेंगे, 6 और 9 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 18। अब हम लोग एलिगेट कर देंगे, तो एलिगेट करने पर क्या आएगा 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ये जो 18 आया है हमारा, ये टोटल वर्क है, और जो 3 और 2 आया भाई ये हमारा एक दिन का काम है, मतलब ए का एक दिन का काम है 3, बी का एक दिन का काम है 2, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 3 + 2 = 5। तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा अगर दोनों साथ मिलकर काम करें, तो ए प्लस बी टोटल वर्क से हम लोग एक दिन का काम डिवाइड कर देंगे तो 18/5, तो 3.6 डेज का टाइम लगेगा तब इनका काम पूरा हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि x प्लस 1/(x)=2, तो x की घात 100 प्लस 1/(x) की घात 100 का मान क्या होगा। तो देखिए, ये 2 कैसे बना, जब x की वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू 1 होगी तभी तो 2 बना होगा, या कह सकते हैं 2+0, तो जब 0 होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं। ओके, तो हम लोग दोनों की वैल्यू 1-1 मान लेंगे, तो 1-1 जोड़ने पर क्या आ रहा है 2, तो यहाँ पे हम लोग मान पुट कर देंगे x=1। अब x का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन में, तो क्या होगा 1 की घात 100 प्लस 1/100, तो 1+1 आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ये था हमारा आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं आगे आने वाले पार्टों में आपको प्रोवाइड करा सकूँ।